नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत बजट बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। सीएम ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हमने जो रोड मैप पेश किया उसके चारों स्तंभ बजट के अनुरूप है। हम जो करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। सीएम शिवराज ने बजट से मिले फायदों को गिनाते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने का ये क्रांतिकारी बजट है। इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट ने हर क्षेत्र में अवसरों के द्वार खोले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% अधिक बजट आवंटित किया गया है। हम इसका भी फायदा उठाना चाहिए। इन 6 स्तंभों को अगर देखें, स्वास्थ्य कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़ी है, हम खड़ी है। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग उसी टाइम पे ये बजट है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते उसके पर्याप्त अवसर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश।